हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति लाई हुई है। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिंदगी का सफ़र चलता रहे, जिंदगी का सफ़र चलता रहे और हमारा रिश्ता आपका बना रहे। आज हम एजुकेशन फील्ड की बात करेंगे। गवर्नमेंट नई नई नीतियाँ ला रही है, कुछ चेंजिंग ला रही है एजुकेशन फील्ड में। इनकी एक पहल जो कह सकते हैं वो एक अच्छी पहल भी है, पर हाँ, विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा शुरू से जो स्ट्रेटजी रहा है वो एक सिंपल स्ट्रेटजी रहा है। पर कोई ना, जो भी नई आई हुई है एजुकेशन फील्ड में चेंजिंग, उसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पूरी डिटेल से मैं आपके सामने बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए कठिन क्यों है, ये भी कह सकते हैं कि कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नए एजुकेशन फील्ड में चेंजिंग हुई है। जो हमारा बोर्ड था वो भी हट गया है, 10वीं बोर्ड बिल्कुल भी हट गई है, अब 12वीं होगी। कई बार बच्चे सोचते हैं बोर्ड के नाम पे वो पढ़ाई पे भी मन लगाते हैं कि हमारी जो पेपर होंगे हम फेल कर जाएंगे। तो पढ़ाई जितना आसान हो रहा है डे बाय डे, एग्ज़ाम लेवल बहुत। और रही बात कंपटीशन की, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है कंपटीशन लाइन में, बहुत ज़्यादा। जितने कंपटीशन हाई होता जा रहा है उतना ही एजुकेशन फील्ड में चेंजिंग आता जा रहा है। हम गवर्नमेंट से एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग में है उसकी पेपर जितनी भी जल्दी हो सके कराई जाए, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका उम्र भी चला जा रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते करते, और एग्ज़ाम ना होने से भी उनकी एज गैप हो रहा है। सही समय पे वैकेंसी नहीं आने पे भी उनका उम्र बढ़ता जा रहा है। तो ये ज़िंदगी है, चलता रहेगा। बट जिनकी एज वैकेंसी वेट करने में गई है, गवर्नमेंट उनके लिए भी कुछ नए रूल्स लाने चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, जो भी स्टूडेंट बेरोज़गार हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है, उनको भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी भी खुश रहे, पढ़ता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से थैंक यू।